पटियाला में शिवसेना बाल ठाकरे के खालिस्तान मुर्दाबाद मोर्चा के विरोध में कुछ सिख युवकों ने भी मोर्चा निकाला। उन्होंने शिव सैनिकों को बंदर सेना नाम देते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसी दौरान काली माता मंदिर में हिंदू और सिख संगठनों में भिड़ंत से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दोनों गुटों की ओर से पथराबाजी होने लगी, तलवारें गहर लगाई गई। मौके को काबू करने के लिए एसएसपी ने पहुंचकर 12 राउंड हवाई फायर किए। इस दौरान एक हिंदू नेता और थाना त्रिपड़ी के एचएसओ करमवीर सिंह घायल हुए। पुलिस ने दोपहर 3 बजे के आसपास स्थिति पर काबू पाया। हालांकि सिख संगठनों के सदस्यों ने शहर को फ्लावर चौक पर धरना लगा दिया है। युवक धरने के दौरान ही सड़क पर बैठकर खाना खा रहे हैं। उधर पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और लुधियाना के सांसद रवनीत बिट्टू सहित विभिन्न सियासी दलों के नेताओं ने घटना की तीखी निंदा की है। फिलहाल घटना पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन जिस तरह से ये उन्माद फैला है उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था को और ज़्यादा पुख्ता करने की ज़रूरत है।